माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, या सास ससुर में, सास बहू में नहीं बनती, या बच्चों की अपने माँ बाप से नहीं बनती, भाइयों में नहीं आपस में बनती, बहुत झगड़े होते हैं, इस वजह से आप बहुत परेशान रहते हो, आपने बहुत कोशिश करके देख लिया कि लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी आपने कोशिश कर ली, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, झगड़े अभी भी होते हैं, पैसे की तंगी रहने लगी है, आपस में नहीं बनती, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, और झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, घर में आपको चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आज जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी, उससे आपके घर के झगड़े भी सॉल्व होंगे, रिश्तों में मिठास बनेगी, आप जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में प्यार बढ़ेगा, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी रिलेशन हो। अगर आप साथ में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपके परिवार वालों में आप जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो तो सॉल्व होंगे ही, आपस में प्यार बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास आएगी। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये उपाय। आपने क्या करना है, ये आपने हर पूर्णिमा पर करना है, आपने खीर बनानी है, ठीक है, पूर्णिमा पर खीर बनानी है, और उसको खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, ठीक है। पूरे परिवार का नाम लेके खीर बनानी है, सबका नाम लेना है खीर बनाते टाइम, और ये विजुलाइज़ करना है कि हमारे रिश्तों में मिठास आ जाए, मधुरता आ जाए, रिश्ते मधुर हो जाए, सारे लड़ाई झगड़े सॉल्व हो जाए, ठीक है। और आपने जब खीर बना लोगे, उसको आपने चंद्रमा की रोशनी में रखना है। आप अपनी बालकनी में रख सकते हो, अपनी छत पे रख सकते हो, ढक के रखना है जाली वाले ढक्कन से, ताकि उसके अंदर रोशनी जाए चंद्रमा की, ठीक है। और दूसरा ढक्कन नहीं लगाना जो कि पूरा उसको पैक कर दे, क्योंकि रोशनी नहीं जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, चंद्रमा की रोशनी उस खीर के में डलनी चाहिए, ठीक है। तो आपने जाली वाला ढक्कन लगाना है और चंद्रमा की रोशनी में आपने उसको रख देना है। पूरी रात रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 घंटे मैक्सिमम बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1-2 घंटे रखने के बाद जब आप उसको रख दोगे, चंद्रमा की रोशनी में रख दोगे, तो आपने ये प्रे करना है, ये विजुलाइज़ करना है कि हमारे बीच में, रिश्तेदारों में जो भी तनाव है या जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है आपस में, ठीक है, प्यार बढ़ रहा है आपस में, और रिश्ते मधुर हो रहे हैं। ये चीज़ें आपने विजुलाइज़ करनी है, ठीक है। और उनका सबका नाम लेना है, नाम मन में भी बोल सकते हो, जिनके साथ आप रिश्ते मधुर करना चाहते हो। फिर आपने क्या करना है, 1-2 घंटे बाद आपने उस खीर को खा लेना है, सारी फैमिली मेम्बर में बांट देना है, और ख़ुद भी खाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब खा लें उस खीर को, जितने भी आप घर में फैमिली मेम्बर्स हो, हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी है घर में, जितने भी आपके घर में मेम्बर्स हैं, सब खा लें, थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह खा लें उस खीर को, और ये ऐसे विजुलाइज़ करके जैसे कि उसमें चंद्रमा का आशीर्वाद है, ठीक है, वो खीर खा लेनी है। ये आपने हर पूर्णिमा पे करना है, और इसके अलावा आपने हर पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ भी देना है, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे ही हर पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ देना है। उससे ये होगा कि आपके चंद्रमा ग्रह भी स्ट्रांग होंगे, और आपको कोई भी अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में, काम भी अच्छा चलेगा। और ये जो खीर वाला मैंने उपाय बताया, इससे भी होगा, घर में पैसे भी आने लगेंगे, सुख समृद्धि आएगी, चंद्रमा ग्रह स्ट्रांग होंगे, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा हमेशा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका मन लगेगा, पैसे आने लग जाएंगे घर में, सुख समृद्धि बढ़ेगी। कई बार हमारे घर में बहुत तनाव होता है, जिसकी वजह से हम काम में अपना मन नहीं लगा पाते, और सुख समृद्धि घर में नहीं आती। जिस घर में झगड़े होते हैं वैसे भी वहाँ सुख समृद्धि कभी नहीं आती, तो जब आपके घर के झगड़े सॉल्व हो जाएंगे, प्यार बढ़ेगा, रिश्ते मधुर होंगे, तो सुख समृद्धि भी खिंची चली आएगी, अट्रैक्ट होगी प्रॉस्पेरिटी आपके घर की तरफ, पैसा खिंचा चला आएगा, कामकाज में मन लगेगा, काम आपका अच्छा चलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। जो भी आप बिज़नेस करते हो, या आप जॉब में हो, या किसी भी चीज़ में हो, तो आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। जब घर से नेगेटिविटी दूर होगी तो अपने आप ही घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो जो ये झगड़े होते हैं, ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, वो झगड़े ही नहीं रहेंगे तो नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। और डेली मंत्र जाप करेंगे, उससे भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ये उपाय करने के साथ साथ डेली मंत्र जाप करें,
ठीक है, आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः तो बहुत अच्छा है ही, उससे तो बहुत आपको पॉजिटिविटी मिल ही जाएगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जिन भी देवी देवता को आप ज़्यादा मानते हैं उनसे रिलेटेड आप उनका जो भी, या फिर आप किसी भी आपके जो भी ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह का बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो उससे वो ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो आपकी कुंडली में जितना मर्जी खराब क्यों ना हो। ठीक है, तो जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है किसी भी आप वो पंडित जी से पूछ सकते हैं अपनी कुंडली दिखा के कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस ग्रह का बीज मंत्र उसका आप जाप करें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क मिलता है, फ़ायदा मिलता है, देखना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। ठीक है, और मंत्र जाप वैसे भी बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है लाइफ में, नेगेटिविटी को दूर कर देता है। डेली करना है, डेली मंत्रों को सुने, मंत्रों का जाप करें, और पूर्णिमा पे ये जो मैंने उपाय बताए इससे आपके चंद्रमा बहुत अच्छे होंगे, आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, काम में मन लगेगा, माइंड भी आपका पॉजिटिव रहेगा, रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन लाइफ में कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, आप हमेशा काम अच्छा करोगे, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करोगे, घर में पैसे को अट्रैक्ट करोगे, बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं हैं तो उनका भी पढ़ाई में मन लगेगा, खीर खाने से, जो खीर आपने चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई है उसको खाने से बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ये पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पे आपने ये करना है, ठीक है, और कोई भी पूर्णिमा मिस नहीं करनी, हर पूर्णिमा पे अगर आप ये उपाय करोगे तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।